शहर के सड़कों की लचर व्यवस्था को देख सड़क डामरीकरण का कार्य 5,44,00,000 रुपए की लागत से होने जा रहे कार्य का शहर विधायक महापौर ने शिफर फोर्ट शुरू कराया। दुर्ग शहर की प्रमुख सड़कों पर सड़क डामरीकरण कार्य शुरू किया गया। इसके चलते विधायक अरुण वोरा ने कहा कि शहर विकास कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं होगी। विकास कार्य भी बड़े पैमाने पर तेजी से किए जा रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत दुर्ग का हृदय स्थल मार्ग गौरव पथ सिविल लाइन उतई टेम्पो चौक से लेकर जेल तिराहा तक सड़क डामरीकरण कार्य की शुरुआत की गई है, जिसमें करीब 5,44,00,000 रुपए की लागत से 2,035 किलोमीटर लंबी रोड का डामरीकरण किया जाएगा। इस मौके पर उपस्थित विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल, पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष आर्यन वर्मा, मदरसा बोर्ड अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, अब्दुल गनी, दीपक साहू सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में डामरीकरण कार्य मशीन पर श्रीफल तोड़कर सड़क डामरीकरण कार्य शुरू किया गया। इसके साथ ही डामरीकरण कार्य होने के बाद आकर्षक विद्युत पोल भी लगाया जाएगा। विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि गौरव पथ के बीचों बीच व्यस्ततम रोड के डामरीकरण कार्य के दौरान यातायात व्यवस्था पर कोई असर न पड़े, इसके लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। जरूरत के मुताबिक बैरिगेटिंग आदि की व्यवस्था करते हुए डामरीकरण कार्य किया जाएगा ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो। ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक शहर की सभी सड़कों को पक्का न कर लिया जाए। इसी कड़ी में शहर विधायक अरुण वोरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए अपनी बात कही। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने पलट कर नहीं देखा कि दुर्ग की क्या हालत है। शहर की सड़कों की दुर्दशा हो गई थी, लोग धूल के गुब्बार उड़ रहे थे, लोग संक्रामक बीमारी से ग्रसित हो रहे थे, श्वास की बीमारी हो गई थी लोगों को, कितनी धूल उड़ा करती थी। तो जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी दुर्ग की सड़कों का निर्माण कराया जाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी राशि की आवश्यकता होगी हम वो राशि देंगे। तो सबसे पहली किस्त में हमने 64 करोड़ रुपये की राशि उनसे ली। मिनी माता से रायपुर नेहरू नगर से मिनी माता तक 64 करोड़ का कार्य हुआ। चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण सारे कार्य उसमें समावेशित हैं। 12 करोड़ की वहां पर लाइट की व्यवस्था की। उसके बाद आज जो हमने जो कार्य की शुरुआत की है, 5,44,00,000 की लागत से गौरव पथ में डामरीकरण की शुरुआत की है। और शहर के सभी वार्डों में आपने देखा होगा, आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे कि दुर्ग के जो मार्केट का क्षेत्र है, इंदिरा मार्केट और आपका ये जो मोती कॉम्प्लेक्स के पास गांधी चौक और जितने भी हमारे वार्ड हैं, वार्ड के भीतर जाकर हमने डामरीकरण का कार्य प्रारंभ किया है। आज ही हमारी धीरज बाकलीवाल जी महापौर से, आयुक्त से चर्चा हुई है कि हम ये जो चंडी मंदिर वाला मार्ग है उस मार्ग को हम डामरीकरण करें ताकि लोगों को वहाँ जो आवागमन में अभी तकलीफ हो रही है उस तकलीफ को दूर किया जा सकते। कहीं भी धन राशि की कमी हम नहीं आने देंगे, क्योंकि जनता ने हमको बहुत विश्वास से चुना है और इन 4.5 सालों में हमने करके दिखाया है। हम इस बात को कह सकते हैं, जैसे कि कल आपने देखा था कि पाटन के सांकरा में भरोसे का सम्मेलन हुआ था, पूरे प्रदेशवासियों को कांग्रेस सरकार का भरोसा है, दुर्गवासियों का हम पर भरोसा है, क्योंकि हम दुर्गवासियों के आशीर्वाद से कार्य कर रहे हैं और कहीं भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।